सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 29 तारीख है, चौथा महीना 2023, और आज हम अपना वीकली एनालिसिस जो है वो करने जा रहे हैं। अच्छा जी, गोल्ड में अगर मैं डेली पे जाऊँ तो मार्केट जो है वो इस लिक्विडिटी एंड की तरफ बढ़ रही है। ये जो मार्केट ने लिक्विडिटी पूल बनाया है, मार्केट इसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन ओवरऑल तकरीबन अगर हम देखें डेली में, तो ये रेंजिंग जो पीरियड है उसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है, और अगर हम H4 में आते हैं और यहाँ से, ठीक है, तो ये वाला जो मूव है ये तो कंप्लीट हो चुका है। मार्केट इसी के अंदर अभी फिर रही है। ठीक है, अगर हम इस वाले मूव की बात करें, ठीक है, तो मार्केट जो है वो अभी दोबारा से ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये जो 100 का एरिया है इसको टेस्ट करने आएगी, और ये जो हमारी सप्लाई एरिया है रिवर्स मेथडोलॉजी का, मार्केट इसकी तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन एरिया मौजूद है यहाँ पर, ऑलरेडी आप देख सकते हैं, वो है ये वाला इंतहाई स्ट्रॉन्ग बेहतरीन, उसको कहते हैं ना क्या, दिल खुश हो जाए देख के, ये वो वाला एरिया है। ठीक है, और QML ये नहीं है। अगर ये पे स्ट्रक्चर फुली ब्रेक होता तो हम QML कहते। यहाँ पे लिक्विडिटी पूल जो है वो बहुत ज्यादा मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, सेंटिमेंट भी हम चेक कर लेते हैं। तो 50-50 है सेंटिमेंट जो है इसकी, 50-50 है। और अगर हम लाइन चार्ट पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया, देन यहाँ पे हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट इस तरफ दोबारा नहीं आई है। लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई एंड लोअर हाई। ठीक है, और यहाँ पे लोअर लो भी मार्केट ने बनाया हुआ है, यानी जो प्रेशर है वो नीचे की साइड पर है, क्योंकि मार्केट में एक बहुत बेहतरीन जो एरिया है, डिमांड एरिया है, वो मौजूद है। तो हम H1 की तरफ जाते हैं, H1 में देखते हैं कि इसके अंदर क्या अभी मौजूद है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे भी हम देखें, मार्केट जो है वो लोअर हाई बना रही है, लेकिन कोई भी हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, और ये मार्केट का लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट का जो है वो एक थोड़ा सा आप समझने का इशारा दिया है। ठीक है, इसको 15 मिनट में जाके इस एरिया को जरा स्क्रूटनाइज करते हैं। बिल्कुल जैसा मुझे लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही एरिया है, ये अच्छा एरिया है, लेकिन इसमें अगेन थोड़ी सी एहतियात हमें करनी होगी। SL हंटिंग के यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओवरऑल एरिया बड़ा प्यारा है। ठीक है, इसका ये एरिया मार्क करते हैं SL हंटिंग, क्योंकि ये मार्केट में आप समझने के इक्वल हाई के बराबर ये काम करेगा, तो आपने SL हंटिंग के यहाँ पर रखना है कि यहाँ पर हो सकती है SL हंटिंग। ठीक है, यह हमारा इंड्यूसमेंट एरिया हो गया, और ये एरिया है 1997.91, 2003.73। ठीक है, ये एरिया हो गया। अगर यहाँ हमेशा सेल मिलती है, आराम से यहाँ तक के लिए सेल कर सकते हैं। टारगेट पहला यहाँ का होगा, देन यहाँ का होगा। ठीक है, और इस एरिया के बारे में आपको बता दूँ, कीमत इसकी 1964.93 और 1949.95। ठीक है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। वैसे GBP USD हमारा ये मूव निकल गया, ये हुआ नहीं। अच्छा जी, तो मार्केट जो है डेली की जो सप्लाई है उसके अंदर दाखिल हो चुकी है, मजीद थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, लेकिन नीचे भी आ सकती है यहाँ से। तो
थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना होगा। और आप मार्केट की जो मूवमेंट है वो भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी थी, और यहाँ मार्केट आप समझ लें तकरीबन साइडवे के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये नीचे की तरफ मार्केट H4 में या H1 के अंदर ब्रेक करती है तो मार्केट ऑल द वे डाउन आएगी इस तरफ। ये जो डिमांड एरिया है मार्केट का, इस तरफ मार्केट आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है भी है, ये परफेक्ट एक QML एरिया है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी मार्केट ऊपर ही है, इसका अगर सेंटिमेंट की बात करें तो बाय के अंदर ही ये क्लोज हुआ है। मार्केट में यकीनन अभी भी बायर्स ही मौजूद होंगे, लेकिन सप्लाई में दाखिल हो चुकी है, ये एक थोड़ी सी तशवीशनाक बात है। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन बनता है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करती है, देन अगेन ऊपर आती है और इस हाई को मार्केट ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो और मार्केट यहाँ पे अगेन क्लोजिंग देती है, H1 भी क्लोजिंग देती है, आराम से यहाँ कहीं भी सेल करके इसको यहाँ तक किया जाए, फिर ये जो एरिया है ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, आराम से इसको सेल किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रैपिंग एरिया है, क्योंकि इसी जगह पर, ऐसी जगह पर मार्केट ट्रैप करती है बायर्स को। बायर्स में क्लोजिंग ज़रूर हुई है, लेकिन ज़रूरी है कि मार्केट बायर में जाए। हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे आती है एकदम, H4 की H1 की कैंडल नीचे बनती है, तो हमें यहाँ पे एक और मजीद क्लोजिंग की ज़रूरत होगी जब तक ये एरिया फिर ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। और इनवैलिड का मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट नीचे इसको टेस्ट करके ऊपर जाती है, इस हाई को ब्रेक करती है, देन नीचे आती है क्लोज करती है, तो हम इसको आराम से इस एरिया को इनवैलिड तसव्वुर करेंगे और आराम से मार्केट को सेल करेंगे। बहरहाल ये जो एरिया है 1.2544, ये इंतहाई अहम स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसका ब्रेक होना लाजमी है। ये ऊपर की तरफ अभी ब्रेक हुआ है तो मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, अगर ये मार्केट मजीद नीचे की तरफ इसको ब्रेक करती है तो हम मार्केट में मजीद नीचे की तरफ इसको देखेंगे, ठीक है। H1 में हम देखते हैं, तो H1 में हम देखें अगर सेम ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ऑलरेडी बना हुआ है, मार्केट में बनाया हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। 15 मिनट में यहाँ तक का एरिया, अगेन वही यहाँ तक का एरिया वैलिड है, फेयर वैल्यू गैप पे अगर नीचे क्लोज होती है तो 15 मिनट के अंदर भी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा खास फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है नहीं इस लो तक, तो एटलीस्ट तो यहाँ पर एक अच्छी एंट्री बन सकती है, इसको आप लोग जहन में रखिएगा। तो आपने इसके क्लोज होने का वेट करना है और यहाँ आने का, इस जगह आने का वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर रिएक्ट किस तरह करती है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप मार्क करके रख लें, बाकी जो मैंने डिमांड मार्क की हुई है उसको आप ज़रूर मार्क कर लीजिए, 1.2314, 1.22273, ठीक है, इसको आपने मार्क करके रख लेना। यूरो USD यूरो USD के अंदर अगेन मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये इसकी भी क्लोजिंग जो है वो बाइंग के अंदर हुई है, लेकिन ये भी थोड़ा सा साइड मार रही है, ठीक है, मतलब 50-50 इसका मामला चल रहा है यहाँ पर। मार्केट ने बहरहाल एक हाई जो है वो ब्रेक कर दिया है, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये लोएस्ट स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। H4 में हमें अगेन वही सूरत हाल यहाँ पर भी दिख रही है, ये जो मेन स्ट्रक्चर है मार्केट ने ऑलरेडी आप देखें यहाँ पर क्लोजिंग दी हुई है नीचे, और इसको टेस्ट कर रही है मार्केट ने, यहाँ पर रिएक्ट भी किया है और क्लोजिंग जो है इसकी सेल कैंडल में हुई, लेकिन चूंकि एक बड़ी कैंडल बाय की मौजूद है तो हम इसको मजीद थोड़ा बाय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सेल हम पॉइंट देखेंगे, इसका सेल पॉइंट क्या बनता है, मैं समझता हूँ कि मार्केट में अब मार्केट सेल की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखें स्क्वीज हो रहा है मामला, ऊपर जा रही है और यहाँ पर मार्केट एक
लोअर हाई, लोअर लो मार्केट ने नहीं बनाया, लेकिन लोअर हाई जरूर मार्केट ने बनाया, और इस एरिया को मार्केट ने लिक्विडेट किया। ठीक है, एच वन में आते हैं। एच वन में हमें क्या दिखता है, एच वन में हमें ये स्ट्रक्चर दिखता है, और अगर ये फॉल्स मूव हुआ नीचे की तरफ, ये ऊपर ऊपर की तरफ फॉल्स मूव हुआ, तो ये एरिया हमारा सेल के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लें, लेकिन कंफर्मेशन यहाँ पर ज्यादा नीड होगी। ठीक है, ये मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर देख के हम मार्क कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट पलट सकती है। ठीक है, इस ये आप लगा लें 1.10755, 1.10944। ठीक है, ये एरिया रहेगा हमारा जो है सेल के लिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो बाइंग मूव है ये ट्रैप है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें सेंटिमेंट सपोर्ट कर रहा है कि मार्केट जो है 50-50 की तरफ जा रही है, तो आराम से इसको यहाँ से सेल करके इस लो तक जो है सेल किया जा सकता है। अगर मार्केट इस लो को भी ब्रेक कर देती है, तो हम यहाँ पे आराम से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो हो जाएगा, फिर हम सेल की तरफ ही देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑल द वे डाउन टू दिस एरिया, तो ये बहुत ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी यहाँ पर बनती है। अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये देखो बिल्कुल जैसा मैं सोच रहा था, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी यहाँ पर बनती है। दो पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ज्यादा पॉइंट कनेक्ट होंगे। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी लिक्विडेट कर चुकी है इस ट्रेंड लाइन को, लेकिन अब मजीद इस एरिया को मार्केट लिक्विडेट करने जा सकती है। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर वाले दिन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मैं इसको जल्दी अपलोड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।